खुशबू सिंह 5 लगातार छक्के और यश दयाल को दुबई भेज दिया। छक्के शुरू हुए ये अहमदाबाद से और पहुंचे जाके दुबई। साफ सफाई करता था ये आदमी ड्रेसिंग रूम्स की केकेआर में, और फिर ये खेला, और लास्ट ईयर इसने 2-3 मैचेस में जो है ना वो कारकर्दगी दिखा के फतह हासिल करवाई, और फिर 4 मैच के बाद ये इस बार आया, इस बार भी इसे प्रमोट किया गया, उसके बाद कहानी लगाई गई, तबाह बर्बाद कर दिया, गारत कर दिया रिंकू सिंह ने। मतलब आज क्रिकेट में एक नया बादशाह पैदा हो गया है। तोबा तोबा तोबा, ऐसी हिटिंग आप शायद दोबारा ना देखे। 29 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे। राशिद खान ने बड़े चौड़े होके बॉल फेंकी यश दयाल की तरफ, राजदयाल आए और 1 रन बना सिर्फ, तो बड़े खुश थे कि अब 28 रन कौन बनाएगा। तोबा तोबा रिजवान साहब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आज का मैच बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ब्लॉकबस्टर और बहुत ही रोमांचक रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक समय गुजरात आगे निकल गई, जो कि राशिद खान की हैट्रिक को देखते हुए गुजरात कहीं ना कहीं आगे निकल गई थी, लेकिन लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए थे और रिंकू सिंह का जादू चला, जो कि पूरा मैच उड़ा ले गया, जो कि लगातार 5 छक्के लगा दिए और तेवटिया से भी बड़ा कारनामा कर दिया, जो कि तेवटिया ने तो 2 छक्के लगातार मारे, इसने 5 लगातार मार दिए। तो क्या ही कह सकते हैं रिंकू सिंह के बारे में, तो बहुत जबरदस्त इनिंग थी और कहीं ना कहीं केकेआर को अब हौसला मिलेगा कि हम असंभव से असंभव मैच जीत सकते हैं। तो दोस्तों पाक मीडिया ने क्या कहा इस रिंकू सिंह की इनिंग के बारे में, चलिए फिर देखते हैं। मुन्ना मुन्ना कमेंटेटर भी कह रहा है रिंकू सिंह 5 लगातार छक्के और यश दयाल को दुबई भेज दिया। छक्के शुरू हुए ये अहमदाबाद से और पहुंचे जाके दुबई। तोबा तोबा तोबा, ऐसी हिटिंग आप शायद दोबारा ना देखे। 29 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे। राशिद खान ने बड़े चौड़े होके बॉल फेंकी यश दयाल की तरफ, राजदयाल आए और 1 रन बना सिर्फ, तो बड़े खुश थे कि अब 28 रन कौन बनाएगा। तोबा तोबा रिजवान साहब, ये हार तो तारीखी हार है, आप तो इस पे सेलिब्रेट करेंगे और शाहरुख खान तो आज पूरे ग्राउंड में नाचेगा। देखे वेंकटेश आयर ने अंदर रखा, कप्तान ने भी अच्छा रखा, फिर हैट्रिक राशिद खान की, दे वर डाउन एंड आउट एंड दे बाउंस्ड बैक इन स्टाइल। आखिरी दो ओवरों में 43 रन चाहिए थे और उन्होंने भी 45 बनाया था। वैसे बाय द वे गुजरात वालों ने तो जनाब, हिस्ट्री वाज इन द मेकिंग एंड हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। 5 लगातार छक्के रिंकू सिंह के, अनबिलीवेबल हिटिंग के बावजूद, अनबिलीवेबल हिटिंग बाय रिंकू सिंह। देखो 5 गेंदों पे 5 छक्के, अनबिलीवेबल हिटिंग। पता नहीं भाई क्या मतलब, क्या कहे इसको भाई। और लो फुल टॉस है, वेस्ट हाई फुल टॉस है, आधी पिच पे ठप्पा, एक भी यॉर्कर लेंथ पे नहीं डाली गेंद, एक भी यॉर्कर लेंथ पे गेंद नहीं डाली रिंकू सिंह। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और ये बिल्कुल रॉकेट पॉकेट साइज का जो बंदा है उसने कमाल कर दिया। ऐसी बेहतरीन एंड पे मैच वाज गॉन। राशिद खान हैट्रिक की बहुत ही शानदार, जो वेंकटेश अय्यर ने एक माहौल बनाया हुआ था वो बिल्कुल रह गया। एक्सपेक्टेशन थी रसल से, कहीं ना कहीं नारायण से, लेकिन जिस बंदे ने रन्स किए हैं उसका नाम है रिंकू सिंह। अनबिलीवेबल हिटिंग, पहली गेंद ऑफसाइड के बाहर, रिंकू सिंह ने कहा मैं तैयार हूं इसके लिए, दूसरी गेंद बिल्कुल पास लेग साइड पे छक्का, तीसरी गेंद फुल टॉस एक्सटर्नर पे छक्का, और फिर आधी पिच पर ठप्पा, उसको दोनों छक्के स्ट्रेट पे, लॉन्ग ऑफ पे छक्का। बंदा इससे पूछे कि भाई तू आगे आईपीएल खेलने के लिए दयाल मियां, लेकिन देखते बस यॉर्कर लेंथ की कोई गेंद नहीं, कैसे आया, एक भी यॉर्कर नहीं डाला। लेकिन बहरहाल बॉलर ने तो जो करना था किया, ऐसे मिल रहे हैं ऐसे बड़े पहाड़ तोड़ के क्या भाई, बॉलर ने तो यॉर्कर नहीं मारा, लेकिन इसमें बैट्समैन का कोई कसूर नहीं है। बैट्समैन ने फुल टॉस आती है तो उसको भी आपने जोर से गेंद को बाहर मार के टाइमिंग के साथ फेंकना होता बाउंड्री के बाहर। दूसरा क्यों गुजरात अभी ये मैच जीत गई, टाइटल वाइटल बना दूं, ऐसी अवतार अवतार करके 5 मिनट का शो कर दूंगा, तुमने तो बर्बाद कर दिया। मैं पूरा मैच देख रहा था, मेरी उम्मीदें दम तोड़ गईं।
जब वेंकटेश अय्यर आउट हुआ और उससे पहले नितेश राणा आउट हुआ और फिर इसी रिंकू सिंह ने चार पांच गेंदें मिस कर दी, बट जो पांच छक्के लगाए रिंकू सिंह ने, कमाल कर दिया यार। मतलब हैरान हो गया भाई, मतलब कौन सा ऐसा घंटे का किंग है जो इस तरह से पांच छक्के मारता है। यहाँ तो लोग सुबह से शाम तक बैटिंग करते हैं, आखिर में मैच हरवा कर चले जाते हैं। और आज अनहोनियों का दिन था, मुझे उम्मीद थी, मैंने अब तक कभी भी डबल हेडर में बैठकर सुकून से आपके साथ शो नहीं किया। उसके रीजंस क्या थे? रीजंस ये थे कि मुझे ये लगता था, मतलब मुझे ये लगता था कि बहुत मसला ये है रिंकू सिंह, लॉर्ड रिंकू सिंह, क्योंकि आज विजय शंकर ने रन किए ना तो फिर कहानी बिल्कुल ही मुक गई। जिस तरह से विजय शंकर ने आज रन किए, भाई मैंने अभी सिर्फ पानी पिया इफ्तार पे, ठीक है ना, तो जरा मैंने कहा आपके साथ ये खुशी शेयर कर लूं कि साफ सफाई करता था ये आदमी ड्रेसिंग रूम्स की केकेआर में, और फिर ये खेला। और लास्ट ईयर इसने दो तीन मैचेस में जो है ना वो कारकर्दगी दिखा के फतह हासिल करवाई, और फिर चार मैच के बाद ये इस बार आया, इस बार भी इसे प्रमोट किया गया, उसके बाद कहानी लगाई गई, तबाह बर्बाद कर दिया, गारत कर दिया रिंकू सिंह ने। मतलब आज क्रिकेट में एक नया बादशाह पैदा हो गया है। और इस तरह की इनिंग आप यशदयाल को मारो, यशदयाल कोई आसान बॉलर नहीं है, इट वॉज अ बैड डे एट द ऑफिस, बट यशदयाल को मारने का मतलब ये है कि आप 135-140 के बॉलर को इसी तरह से पीटोगे, तो वॉट डज इट मीन्स, इट मीन्स के रिंकू सिंह को फोर रन से कैंप में बुलाया जाए और इसकी ग्रूमिंग की जाए आईपीएल के बाद। कुछ लोग इंडिया या पाकिस्तान या अपनी नेशन को जल्दी सर्व करते हैं क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन हो जाना होता है। ये आदमी पहले से डिसिप्लिन है, इस आदमी ने पहले ही साफ सफाई की हुई है, इसका एटीट्यूड डाउन टू अर्थ अप्रोच है, हम्बल लड़का है। और जिस तरह की इसने बल्लेबाजी की है, मैं कहता हूं एंटायर प्लेनेट पर पांच छक्के लास्ट ओवर में कोई सीधी बॉले भी डाले 125 की, तो कौन से वो ऐसे कागजी किताबी किंग है जो इस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। लानत देता हूं मैं उन पर जो पूरा पांच पांच छह छह साल अपने रन बनाने के लिए वर्ल्ड क्रिकेट खेल ले और उनको अलिफ और बे नहीं पता। मतलब मैच हार चुका था कलकत्ता, मैं कह रहा हूं मैच हार चुका था, मेरी बुक में मैच हार चुका था। मैंने टाइटल पर लिख दिया था कि राशिद खान की हैट्रिक, क्यों झूठ बोलूं, दूसरों की तरह झूठी बोलते हम। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, सेकंड लास्ट ओवर में छक्का चौका मारकर एक स्निफ मिली, बट बॉस पांच छक्के मारने आपको लास्ट ओवर में अपोजिशन के घर में, गुजरात का घर है अहमदाबाद, फाइनल जीता है वह, हार्दिक की आवाजें लगती है, बट आई ऑलवेज हैव अ गट फीलिंग कि वेंकटेश अय्यर और राणा इनमें से कोई निखरेगा और मैच जिताएगा। क्योंकि जब विजय शंकर मार सकता है तो फिर आज कोई भी मार सकता है। रिंकू सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ ये कि लॉर्ड विजय शंकर जो 2018 से इंडिया को पूरे भारतीय फैंस को चकमा दे रहा है कि मैं 3D प्लेयर हूं, मैं कुछ करूंगा, आज उसने कुछ किया तो फिर दूसरों ने भी बताया कि भाई कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम वो वाले लोग नहीं है कि हमसे छक्का नहीं लगता। यहां हमें 800-900 प्रैक्टिस में बॉले खेलनी होती हैं, यहां हमें पीएसएल से पहले दोपहर भर प्रैक्टिस करनी होती है छक्के मारने की, फिर भी हमसे छक्का नहीं लगता, ठीक है।